आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डाइमेंशंस का नेक्स्ट टॉपिक एरर्स। एरर्स से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से पढ़ना एंड कोई भी डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। द फर्स्ट थिंग अबाउट एरर इज दैट दे आर ऑलवेज एडेड। आप कभी भी एरर को माइनस नहीं करोगे, सिर्फ आप उसको क्या करोगे, ऐड करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, ऐड करोगे। एंड अब एरर्स क्या होती है, वेरिएशन फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। जो एक्चुअल वैल्यू आई, जैसे मेरी एक्चुअल वैल्यू आनी थी 5, बट या तो कोई इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर होगी होगी, मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी होगी होगी, या कोई और रीजन की वजह से मेरी वैल्यू आ गई 3। तो कितने का डिफेक्ट आ गया, डिविएशन आ गया 2 का। तो ये 2 जो मेरी है, ये क्या है, होगी मेरी एरर। तो ये की है एरर का बेसिक कॉन्सेप्ट, एरर होती क्या है। अब एरर्स जैसे एग्जांपल मैं दूं कि आपको कोई ए है वो इतना गिवन है 10 ± 1, तो ये 10 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसको मेजर करने के बाद आई है। एंड ये जो 1 है ये क्या है, मेरी एरर। सेम बी जो है वो 20 ± 2 है, ±2 का मतलब वो जो एरर है वो +2 हो सकती है या फिर -2 हो सकती है। तो वो मेरी कितनी आई है, ये हमारी एरर है। तो सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा ए प्लस बी बताओ। तो अब आपको पता है एरर्स हमेशा ऐड होती है, बट जो ये वैल्यूज है ऐड माइनस तो कुछ भी हो सकती है, बट एरर्स हमेशा ऐड होंगी। तो 10 + 20 कर दिया, यहाँ पे एरर्स को ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 30 ± 3। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, बी माइनस ए पूछा है, तो बी को आगे लिखूंगी 20 - 10 ± अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, एरर्स को भी मैंने ऐड किया, माइनस नहीं किया है, सिर्फ ऐड किया है, तो आंसर ये आया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स में, तो सबसे पहले आती है फ्रैक्शनल एरर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरर अपॉन में एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एरर, तो डेल्टा ए अपॉन में ए। जैसे कि एग्जांपल है, तो इसमें आपको फ्रैक्शनल एरर निकालनी है। तो एरर कितनी है यहाँ पे 1, एंड एक्चुअल वैल्यू कितनी है 10, तो ये मेरी क्या हो गई, फ्रैक्शनल एरर। सेम ये एग्जांपल है, इसमें मुझे फ्रैक्शनल एरर निकालनी है t1 + t2 करके, तो मैंने सबसे पहले t1 और t2 को प्लस के एरर्स को ऐड किया, और जो नंबर का जो एक्चुअल वैल्यू थी उसको ऐड किया। फिर फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डेल्टा ए अपॉन में, तो डेल्टा ए कितना है 6 / 30, तो उसको सोल्व करके 1/5 आ गया। नेक्स्ट होती है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, जो फ्रैक्शनल एरर होती है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो बेसिक हम छोटी क्लासेस में सीखते हैं कि परसेंटेज जब लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और जब परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है। तो ये तो आपको आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना, फिर देखना। इन्होंने पूछे परसेंटेज एरर इन t2 - t1, तो t2 - t1 को जो एक्चुअल वैल्यू, तो वो तो जैसे पूछिए वैसे हुई t2 - t1। प्लस माइनस एरर्स हमेशा ऐड होंगी, तो कितना आया 10 + -3, बट ये हमारा आंसर नहीं है। परसेंटेज एरर पूछिए तो किस तरीके से करेंगे, एरर अपॉन में एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, तो कितना आंसर आ गया 30%, इस तरीके से। अब ये तो बात होगी कि जब एरर्स को प्लस माइनस कर रही हूँ तब, अगर एरर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगी तब कैसे करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन है, अब मुझे क्या करना है, इस ए मल्टीप्लाई बी है, देखो मल्टीप्लीकेशन आ गया, ए कितना गिवन है इतना एंड बी इतना गिवन है, हमें क्या करना है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी करना है। किस तरीके से करेंगे, देखो सिंपल है, डेल्टा जेड अपॉन में जेड निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, ये जो पावर्स होती है, एक सिंपल चीज याद रखनी है कि जो पावर्स होते हैं ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाती हैं। किस तरीके से, तो हम इसको लिखेंगे 2, जो ये पावर थी ए की, वो आगे आ गई 2 डेल्टा ए अपॉन में ए, प्लस बी की पावर तो 1 ही, 1 इंटू समथिंग तो 1 ही होता है, तो डेल्टा बी अपॉन में बी हो गया। तो देखो क्या आ गया, डेल्टा ए कितनी है, फ्रैक्शन एरर 2 / 10, ये कितना है 1/20, तो आंसर अगर इसको एलसीएम वगैरह लेके करेंगे तो कितना आ गया 9/20। तो कुछ नहीं करना, जो इसकी पावर होती है उसको बस आगे लेकर आ जाना और फ्रैक्शनल एरर से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। परसेंटेज अगर पूछे तो मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज हटाने का बोले तो डिवाइड बाय 100। अब सिमिलर ये क्वेश्चन है, इसको एक बार खुद से ट्राई करना, क्या बोला है, ये मल्टीप्लाई करनी है दोनों। तो देखो इसमें क्या होगा, अब ये जो हाफ है ए की पावर है वो आगे आ जाएगी, फिर फ्रैक्शनल एरर प्लस बी की पावर आगे आएगी, फिर फ्रैक्शनल एरर, और अब इसको सोल्व कर देना है, डेल्टा ए कितना है 2/10 + 2/3 / 1/20। अब इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन करना, देखो क्या होगा, -2 है। अब याद रखना कि एरर्स जो है हमेशा ऐड में होती है, प्लस ही होती है, कभी भी माइनस में नहीं जाती है। इस तरीके से जो पावर है माइनस में नहीं होगी, हमेशा ऐड होती है। तो ये मैं सिंपल ऐसे ही लेकर आऊंगी इनको आगे, क्योंकि एरर्स कभी भी माइनस नहीं हो सकती है। अब इसको इस तरीके से ही सोल्व करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको डिस्प्लेसमेंट देके रखी है, टाइम देके रखा है, और बोला है वेलोसिटी निकाल। सिंपल क्वेश्चन है डिवीजन का, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। किस तरीके से करेंगे,
आपको सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल जो वेलोसिटी होती है वो निकाल लेनी है, कितनी होती है नॉर्मल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम करके मैंने जो नॉर्मल वेलोसिटी आई वो निकाल ली। अब करते हैं एरर्स का, तो एरर्स क्या करेंगे, डेल्टा वी अपॉन में वी, डेल्टा डी अपॉन में डी प्लस डेल्टा टी अपॉन में टी, तो पावर तो है नहीं कुछ आगे, तो क्या लेकर आएंगे, तो वही नॉर्मल फ्रैक्शन एरर को करके मैंने ऐड किया, ये मेरा आंसर आया एरर का। मुझे निकालनी है एरर वेलोसिटी में, तो एरर कैसे निकालूंगी, जो वेलोसिटी उधर मल्टीप्लाई में जाएगी, तो इस तरीके से सब सिंपल है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखो ये क्वेश्चन 2019 का क्या क्वेश्चन है, इस तरीके से ए स्क्वायर बी हाफ सी वन बाय थ्री डी का क्यूब, मुझे निकालनी है इसमें परसेंटेज एरर सब में। तो देखो ए मुझे क्या गिवन है, ए में 1% 2% 3% 4% रेस्पेक्टिवली मुझे दे के रखे। अब देखो हमें क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं है, इनकी जो भी पावर्स है वो आगे आ जाएंगे और ये सबके सब एडिशन में चले जाएंगे। तो जो 2 की पावर है वो, जो ए की पावर है वो 2 है, उसकी एरर कितनी है 1% प्लस हाफ, बी की पावर हाफ है एंड बी की जो एरर है वो 2% है, फिर उसके बाद सी की जो पावर है 1/3 है वो आगे आएगी एंड उसकी जो एरर है वो 3 है, और सबको सब हमें क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ ऐड कर रही हूँ, तो आपको सबको ऐड करना है 2 + 1 + 1 + 12, तो आंसर क्या आ गया 16। अब ये क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, आपको क्या करना है पावर्स आगे लग के ऐड करनी है, तो ये खुद से ट्राई करना। अब ये क्वेश्चन देखो, इन्होंने क्या है रेडियस में एरर दे के रखी और क्या पूछा है वॉल्यूम बता दो, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है आर का क्यूब, तो पावर आगे लेकर आनी है, रेडियस में परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है 2, तो आंसर क्या आ गया 6%। फिर अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या है डेंसिटी दे के रखी है और उसमें मास और लेंथ की एरर दे के रखी है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। अब हम यहाँ वॉल्यूम नहीं लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम में परसेंटेज एरर नहीं दे के रखी है, इन्होंने क्या लेंथ परसेंटेज एरर दे रखी है, तो हमें मास अपॉन में एल का क्यूब की, वॉल्यूम क्या होती है लेंथ का क्यूब, तो मास जो है उसकी परसेंटेज एरर कितनी है 4, लेंथ की कितनी है 3, तो देखो पावर आगे आएगी, तो इस तरीके से इसको सोल्व करके 13%। बस याद क्या रखना था कि वॉल्यूम नहीं लिखना है, वॉल्यूम को लेंथ में कन्वर्ट करना है क्योंकि परसेंटेज एरर लेंथ की दे के रखी है। अब ये क्वेश्चन देखो, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू एम वी का स्क्वेयर। अब ये 1/2 तो मैटर नहीं करता, प्योर नंबर है तो हाफ तो चला जाएगा, तो मास में परसेंटेज एरर प्लस ये जो हमारी पावर है ये आगे आएगी एंड वेलोसिटी में परसेंटेज एरर, तो मास की कितनी है 2 + 2 × 3, क्योंकि 3 क्या है वेलोसिटी की परसेंटेज एरर, आंसर कितना आ गया हमारा देखो इसमें 2 + 6 = 8%। तो ये थे एरर्स के क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं तो याद रखना। अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनके कुछ रूल्स होते हैं, एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो रूल्स बहुत ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो समझ लो। सबसे पहले जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सबके सब क्या होंगे सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, 2, 10, 15, 20 जितने भी जीरो नहीं है वो सब कितने होंगे सिग्निफिकेंट, जैसे मैंने लिखा है 247। अब इसमें आपसे पूछा मैंने कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3, 3 तीनों नॉन जीरो है तो 3, फिर इसमें 4। सेकेंड रूल आता है कि जितने भी जीरोज होते हैं बिटवीन नॉन जीरो सबके सब सिग्निफिकेंट है, डेसिमल कहाँ आ रही है कहाँ नहीं आ रही है कुछ मैटर नहीं करता, सब सिग्निफिकेंट है। तो 3002 देखो 2 जीरो आ रही है, आपको ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, ये क्या है जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस, नॉन जीरो के बीच में जीरो है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर फ्रंट में जीरो आगे हैं तो आप कभी भी उनको काउंट नहीं करोगे, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, जैसे ये है तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसमें कितने हैं 2, क्योंकि जो जीरोस फ्रंट में आ गए वो कभी काउंट नहीं होंगे, और जो अगर एंड में जीरो आए अगर वो होल नंबर के एंड में आए हैं तो काउंट नहीं होंगे, और अगर डेसिमल के एंड में आए तो वो काउंट होंगे। तो देखो 207, अब ये होल नंबर है पूरा, इसके एंड में जीरो आ गया तो इसको आप काउंट नहीं करोगे, तो 3 ही लिखोगे, और अगर पॉइंट लगा दिया मैंने और फिर जीरो आया तो इसको काउंट करोगे तो ये कितने हो गए 4। तो ये सिंपल रूल्स थे जो आपको याद रखने हैं, और एक इस तरीके से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर से, तो इस तरीके से आता है। तो देखो ये आपको दे के रखा और आपको बोला ऐड करो, तो आप इसको ऐड करने मत बैठे एग्जाम में, आपको क्या करना है, तो अगर ऐड करने का बोले तो आपको इन दोनों में से देखना है कि किसके पास लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं। तो दिख रहे हैं कितने 1 है डेसिमल प्लेसेस, तो जो आंसर आएगा चार ऑप्शन में जो आंसर आएगा कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें सिर्फ एक ही डेसिमल पॉइंट होगा, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट होगा, तो वो आपका आंसर होगा, ऑप्शन में से चेक कर लेना। तो अगर हमारे एडिशन में है तो आपको क्या देखना है लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखने, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें एक तो आंसर जो होना चाहिए उसमें एक ही डेसिमल पॉइंट होगा, कोई भी ऐसे 2 ऑप्शन नहीं होंगे जिसमें एक ही डेसिमल पॉइंट होगा, एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें एक, क्योंकि वो आपके एडिशन को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको ये
देखना चाह रहे हैं कि क्या आपको ये वाला पॉइंट पता है कि अगर ऐड करेंगे तो क्या देखना है और माइनस, अगर वो आपको ये देखना चाह रहे हैं कि अगर ऐड और माइनस करेंगे तो क्या उनको ये वाला पॉइंट पता है कि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट देखने होते हैं, और अगर तुम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो क्या देखना होता है, तो हमें देखना है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्वेश्चन में जिसके भी पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगी तो आंसर में हमारे पास उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसके पास तीन है, इसके पास चार है, तो जो हमारा आंसर आएगा उसके पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो ऑप्शन में से देख लेना, मल्टीप्लाई करने मत बैठना, वो बिल्कुल भी आपकी मैथमेटिकल स्किल्स नहीं देख रहे हैं, वो बस ये देख रहे हैं कि आपको ये पॉइंट आता है या नहीं आता। तो आंसर में कितने होने चाहिए, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें देखो, याद रखना ये जो पावर्स होती हैं ये सब नॉन सिग्निफिकेंट होती है, इनको मत लिखना। तो इसके अंदर कितने हैं, सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसको आप याद रखना। जैसे आपको ये क्वेश्चन है, ए दे के रखा है, बी दे के रखा है, बोला है पैरामीटर निकालो, तो आपको पता होना चाहिए कि पैरामीटर कितना होता है, ए प्लस बी होता है। तो आपको क्या है, ऑप्शन में से ऐसा देखना है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो क्वेश्चन में। देखो कितने हैं, दो हैं, तो देखो किसके पास दो हैं, क्या सेकंड ऑप्शन आ गया सीधा सीधा। एरिया निकालने बोले मल्टीप्लाई, तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लेना किसके पास है, इसके पास चार है, इसके पास कितने हैं, इसके पास पांच है, तो हमारे पास इसमें चार वाला सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, तो किसकी कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट वाला। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है, ना कि मल्टीप्लाई डिवाइड करने बैठना है वहां पे। द लास्ट टॉपिक राउंडिंग ऑफ, कि अगर आपको किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना है तो वो कैसे करेंगे। अब देखो हमारे पास ये नंबर है, हमें पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो अब देखो लास्ट डिजिट क्या है, इस पांच के बाद की छह है, अगर वो पांच से बड़ी है तो सेकंड लास्ट डिजिट में वन ऐड कर दो। तो देखो चार में वन ऐड किया, पांच हो गया। अगर वो पांच से छोटी है तो उसको एज इट इज लिख दो, ये चार को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखो हमारे पास क्या है, हमें सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अगर चाहिए तो हम सिर्फ दो तक लिखेंगे। अब देखो ये दो क्या है, पांच से छोटा है, तो हम इसको अनचेंज इस तरीके से लिख देंगे। तो इस तरीके से करना है इसको, लास्ट डिजिट अगर हमारी पांच के बराबर ही होती है। अब ये वाली भी अगर हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर तक बोला और लास्ट डिजिट पांच के बराबर ही है, तो देखो अगर इवन नंबर है हमारी लास्ट सेकंड लास्ट डिजिट तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, और अगर ओड नंबर आती है तो हमें क्या करना है, प्लस वन करके रखना है। देखो ये ओड आ गई तो हमें इसमें क्या करना है, प्लस वन कर देना है। तो ये छोटे छोटे याद रखना कि पांच के बराबर हो तो क्या करना है, पांच से छोटी हो, पांच से बड़ी हो तो हमें क्या क्या करना है। अगर हमारे पास इवन हो, पांच के बराबर में भी दो केसेस आते हैं, इवन होती है एंड ओड होती है, तो सेम किस में रखना है एंड प्लस वन किस में करना है, तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, उसकी जितनी भी साइड्स हैं सब इसके बराबर है, तो ये बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम बता दो। ठीक है, अब सरफेस एरिया क्या होता है, सिक्स ए स्क्वायर होता है, एंड वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब, सिक्स ए स्क्वायर, सिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, यही, और सिक्स ए का क्यूब, इसको क्यूब करना है तो आंसर ये आ गया। इसको कैसे चेक करोगे, तो ऑप्शन में देख लेना, हमें क्या करना है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देख के ऑप्शन टिक करना है। आपको ये क्वेश्चन गिवन है, कोई ये इतना ग्राम सब्सटेंस है जो कि इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आपको क्या निकालना है, डेंसिटी निकालनी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम होती है। अगर देख लेना यूनिट चेंज करने को बोले तो इसमें यूनिट चेंज करें, सिंपल सिंपल है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको ऑप्शन से मैच करने हैं, सीधे इसको डिवाइड करने मत बैठ जाना। ये क्वेश्चन इसको खुद से ट्राई करना, स्टेट लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे हैं तो इसमें देखना, सब में ट्राई करना, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं याद रखना, तो इन सबको ट्राई करना। ठीक है, अब इसमें पूछा है, देखो टेकिंग इन अकाउंट अगर हमें ये करना है तो क्या होगा, तो अब देखो माइनस है, तो माइनस में हम क्या देखते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स देखते हैं, इसमें दो है, तो अब देखो दो के कुछ कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ इसी ऑप्शन में है। अब कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखनी है, सबसे पहला तो कोई डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है तो वो कोई कॉन्स्टेंट नंबर भी हो सकते, तो वो क्या होगी, यूनिट लेस होगी। जैसे फाइव, पाई, तो ये सब क्या है, यूनिट लेस है। जो पावर होती है वो भी क्या होती है, यूनिट लेस, तो यूनिट लेस है तो वो डायमेंशन लेस भी होगी। तो डायमेंशन लेस है वो यूनिट लेस भी हो सकते हैं, यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस भी हो सकती है। कभी दो क्वांटिटी का रेशियो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस, तो यूनिट लेस भी होगा। अगर कोई क्वांटिटी यूनिट लेस है तो वो हमेशा डायमेंशन लेस होगी, कभी भी उसका डायमेंशन नहीं होगा। अगर कोई क्वांटिटी की यूनिट नहीं है तो उसका डायमेंशन भी नहीं होगा। किसी क्वांटिटी का डायमेंशन अगर नहीं है तो जरूरी नहीं उसकी यूनिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल जैसे एंगल है, एंगल के पास कोई डायमेंशन नहीं है बट इसकी यूनिट है रेडियन एंड स्टीरेडियन, अभी बताया एग्जाम में आई हुई है। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखना। कुछ क्वांटिटीज हैं जो कि डायमेंशन लेस है, तो अगर याद करनी है तो कर लो, वरना तो आपको जैसे जैसे टाइम जाता है फिजिक्स आपको आने लगते तो वैसे भी आपको ये याद हो जाते हैं। तो ये हमारी डीपीपी है, तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले लेना, मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन शेयर पे, और इसके नेक्स्ट डे मैं इसके नेक्स्ट डे मैं सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगी। टोटल 10 क्वेश्चंस है, सबको एक बार खुद से ट्राई करना, इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे कोई टफ नहीं है, जो पढ़ाया उसी में से है।
तो ये 10 क्वेश्चंस है। अगर कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इस वीडियो को 2-3 बार देखना एंड जो भी सीखा है अच्छे से अप्लाई करना। एरर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, तो एक बार देख लेना। थैंक यू।